Yeah. Hi, Shino. Hi, Chandni. कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, वो अमन. अमन रेस्टोरेंट में होगा. थैंक्स. प्लेजर. मैंने शीना से बात करके कुछ दिनों के लिए नौकरी कर ली है बस. क्यों? पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमें शादी करनी है. किस चीज के लिए? चांदनी, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है. कम से कम तुम्हारे लिए कुछ जेवर तो खरीद सकता हूँ. चांदनी, तुम रो क्यों रही हो? हम यहाँ शादी करने आए थे, लोगों के झूठन उठाने नहीं. चांदनी, अगर तुम फिर भी ये काम करना चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी. नहीं चांदनी, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं ये काम नहीं करूँ. मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी करो और अपने घर लौटो, फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान. सब हो जाएगा चांदनी, चाहती हो तो हम फौरन निकाह कर लें. सच कह रहा हूं, बस तुम अपना हौसला बुलंद रखो. या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः. देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमः. परिवर्तन कैसे आ गया? अचानक मम्मा की डायरी हाथ लग गई. उसमें लिखा था कि डैड, मम्मा हर सुबह इसी तरह पूजा करती थी ना. दिन की शुरुआत वो दिया जलाकर ये मंत्र पढ़कर करती थी. डैड, मैंने भी फैसला कर लिया है. क्या? मैं भी इसी तरह हर सुबह पूजा करूंगी. आश्चर्य तो मुझे हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि अचानक इतना परिवर्तन तुमने कैसे आ गया. कभी कभी खुद से बात करके भी नए रास्ते मिल जाते हैं. यानी अब तुम खुद से भी बातें करती हो? कमाल है, कमाल है. मेरी बेटी जो कभी अपने आप से बात नहीं करती, अचानक खुद से बात करने लग गई है. परिवर्तन. कम ऑन डैड, अब सुबह सुबह मेरी खिंचाई मत. नहीं, मैं खिंचाई नहीं करूँ. तुम्हें पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं उस फौजी कैप्टन राजेश को बुलाना चाहता हूँ और उसे कहना चाहता हूँ, कैप्टन राजेश, थैंक यू तीन बार, थैंक यू. कैप्टन राजेश, परिवर्तन का काम. ओ राजेश अंकल. हे गप्पू बिग गाय, यार मैं दो तीन बार आया, तुम तो मुझे मिले नहीं घर पे. क्या करूँ राजेश अंकल, स्कूल स्कूल के बाद ट्यूशन फिर होमवर्क. आई अंडरस्टैंड. लेकिन बेटा बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है ये सब कुछ. खूब मन लगा के पढ़ना, ठीक है? हाँ. क्या एक बार जिंदगी शुरू हो जाए ना तो फिर पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिलता.
नौकरी नौकरी के बाद शादी वगैरह वगैरह बहुत झमेले होते हैं। आपकी शादी होने वाली है राजेश अंकल। तुम्हें किसने बोला? मम्मी बता रही थी। गप्पू तुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। कमाल है मम्मी, कल आपने ही तो कहा था कि राजेश अंकल से पूछना कि चाची कैसी है। तू इतने सारे सवाल कर रहा था तो मैं क्या जवाब देती, इसलिए मैंने कह दिया कि जाके राजेश अंकल से पूछ लेना। राजेश अंकल, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा था। जो जी मैं बोल देता है। जस्सी की तरह बिल्कुल सच्ची बातें करता है। पापा की जिद की वजह से मेरी शादी की बात इतनी आगे बढ़ी। यार केदार बैठ। अन्नू कहाँ है? वो कहीं ड्राइव के लिए निकल गया है। तू बता, चांदनी की कोई खबर? कुछ खबर नहीं। अच्छा यार केदार, एक बात बता यार, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से चांदनी बिना बताए घर छोड़कर चली गई। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम तो जानते हो आजकल के बच्चों को जरा सी बात तो बुरा मान जाते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता किस बात को लेकर नाराज हैं। क्यों, तूने उसे कुछ कहा? वही तो कह रहा हूँ, कहा भी हो तो इस इरादे से तो नहीं कहा कि चांदनी इतना बुरा मान जाए कि घर छोड़कर चली जाए। लेकिन यार कोई तो वजह होगी कि वो इस तरह घर छोड़कर चली गई, वो भी ऐसे वक्त पर जब उसकी शादी होने वाली थी। वही तो समझ नहीं आता, सामने आए तो पूछूं, पता तो चले है कहां वो। यार केदार सच कहूं तो तुझे देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि तेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है? क्या मतलब? अरे यार तेरी बेटी चांदनी घर छोड़कर चली गई है, तुझे तो मतलब सड़कों पर पागलों की तरह हर चेहरे को देखते हुए शहर का चप्पा चप्पा छान लेना चाहिए। तो तुझे क्या लगता है मैं चैन से घर में बैठा हूं?
मेरी तरफ देख। जिस दिन से चांदनी घर से गई है पलक नहीं झपकी है मैंने। अरे पलके तो अन्नू ने भी नहीं झपकी है केदार, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे पता है इतना काफी नहीं है, इसलिए तो हर आधे घंटे में कमिश्नर साहब को फोन लगाता हूँ भीख मांगते हुए कि कमिश्नर साहब मेरी बेटी का पता लगा दीजिए प्लीज। मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो। अब तो बस खिड़की से कूद कर जान देना बाकी है। तुझे नहीं लगता हमें अखबार में इश्तेहार देना चाहिए? तो मैंने कब ना कहा है, अगर इश्तेहार देने से मेरी बेटी मिल सकती है तो मैं तो अब उसके लिए भी तैयार हूं। चाहे मेरी इज्जत मृत्यु में मिल जाए मैं। बस बस ठीक है, हमें अभी जाकर अखबार वालों को चांदी की फोटो दे देनी चाहिए। फोटो छपने के बाद हमें खबर कहीं से भी मिल सकती है। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अन्नू के पास चांदी की फोटो है। बैठ 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 बैठ, मैं अन्नू को फोन लगाता हूं। हेलो नसरीन। भाईजान कैसी हो नसरीन? हम सब खैरियत से, आप बताइए। बस सही सलामत हूँ। चांदनी भी ठीक है। नसरीन सुनो जरा, अम्मी को बुलाओगी? मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। सुनिए आपको आज हमसे एक वादा करना होगा। क्या? कि चाहे जो भी हो जाए आप चांदनी भाभी से ही निकाह करेंगे। मेरा वादा है तुमसे नसरीन, मैं चांदनी से ही निकाह करूंगा। आप बहुत अच्छे हैं। तुमसे अच्छा नहीं हूं नसरीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गायत्री आ गए आप? हाँ। मैंने ऑफिस में फोन किया था। हाँ मैं सूर्यदेव के घर गया था। ऑफिस फोन क्यों कर रही थी? भंडारे साहब आए थे यहाँ। यहाँ आए थे? हाँ, पहले मैं भी घबरा गई, फिर पता चला कि वो राजेश से मिलने आए, तब मुझे तसल्ली हुई। अच्छा राजेश से मिलने क्यों आए थे? बस खुश थे, उन्होंने कहा कि राजेश की वजह से अनन्या में बहुत बदलाव आ गया। बहुत तारीफ कर रहे थे राजेश की। चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर राजेश और अनन्या की शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हो जाएगी। नहीं पापा, उनके चाहने ना चाहने पर मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली है। मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजेश एक मिनट। क्यों नहीं होगा ऐसा? मैंने तुमसे पूछा है राजेश, मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। ये क्या बेकार की जिद लेकर बैठ गए? साफ साफ कर चुका। पर क्यों? अरे चुप तो रहो, इसको जो कहना था हमने सुन लिया। जब जैसे कि कम मुसीबत है हमारे सर पर। मैं बात करूंगा उससे, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कह रहा हूं बात करूंगा ना उससे। तुम ये बताओ भंडारे साहब ने क्या कहा? उन्होंने चांदनी की तस्वीर देखी। कुछ कहा?
आप ये बताइए कि सूर्यदेव भाई साहब से आपकी क्या बात हुई? सब्र खोता जा रहा है सूर्यदेव। चांदनी के फोटो के साथ इश्तेहार देना चाहता है अखबार में। क्या? मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे तो सबको पता चल जाएगा। कोशिश करूंगा उसे समझाने। किस काम में मसरूफ है? टिफिन बना रही थी। टिफिन किसके लिए? लेकिन राहुल के लिए। अच्छे खाने का शौकीन है बेचारा, पता नहीं वहां कैसे गुजारा करता होगा। सच में पता नहीं खुदा इतने बड़े दिल वालों को भी ऐसे हालात से क्यों गुजारता है। इम्तिहान लेता है अपनों का। जब अपने हैं तो इम्तिहान कैसा? सबूत चाहिए कि दिल में अच्छाई किस हद तक बरकरार है। वक्त आने पर सबको पता लग जाएगा कि राहुल बेगुनाह है। अबू मैं राहुल के पास जा रहा हूं। सुहेल ये खाना बनाया मैंने राहुल के लिए, उसे दे देना। अबू मैं जा रहा हूं। सुहेल सुना नहीं तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? ये टिफिन राहुल को दे देना, कितनी मेहनत और प्यार से खाना बनाया है उसके लिए। पता नहीं ये प्यार और मेहनत सच्ची है या झूठी, पर झूठ की पोटली मैं नहीं उठाता। सुहेल अमन यहां क्या कर रहे हो? रेस्टोरेंट में होना चाहिए। मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। कल तक तो बहुत मजबूरियां थी, जरूरतें थी, आज शायद कल के मुकाबले में ज्यादा मजबूरियां। हमने फौरन शादी करने का फैसला कर लिया। ओह गॉड अमन, जब शादी से पहले इतने मजबूर हो तो शादी के बाद क्या हो रहा है? प्यार में इंसान को मजबूर होना पड़ता है। प्यार सब बकवास है और शादी, मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि कोई इंसान अपनी जिंदगी किसी दूसरे के हवाले कैसे दे सकता है। कैसे कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे को दे सकता है? लगता है तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया शीना। क्या होता है सच्चा प्यार? आज तुम सच्चे प्यार की बात कर रहे हो इसलिए नहीं कि तुम्हें चांदनी पसंद है, इसलिए कि तुम हारना नहीं चाहते। जो तुम लड़ रहे हो उसकी जीत शादी, मगर ये गलत है अमन, गलत। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ मैरिज इज लाइक अ मास्टर प्लान, डोंट गो इन वांट टू गेट आउट एंड डोंट गो नॉट वांट टू गेट इन। मॉरिशस आकर मैंने एक बात तो सीख ली, मुल्क बदलने से जज्बात भी बदल जाते हैं। सच्चे प्यार को समझने में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा शीना, बहुत वक्त। Really? तो तुम बताओ क्या होता है सच्चा प्यार? रेगिस्तान में एक शिकारी हिरन का पीछा कर रहा है, उसे मीलों दौड़ाता है। वो हिरन एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है लेकिन सामने आई बावड़ी पर नहीं रुकता। उसके अंदर एक ऐसा जुनून है जो उसे मजबूर कर रहा है भागने पर, क्योंकि वो एक आखिरी बार मौत से पहले अपने महबूब को देखना चाहता है। सच्चे प्यार का दायरा वहां से शुरू होता है शीना, जहां से इंसान अपने बारे में सोचना बंद कर दे और अपने महबूब के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सच्चा प्यार उस इंसान को होता है जो किसी राह पे चलते वक्त एक पत्थर से ठोकर खाता है और उस पत्थर को इसलिए हटाता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं इसी राह पे
वक्त मिले तो सोचना।